अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरत से होंगे। तो एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच हाजिर हुआ हूँ कोविड के लेटेस्ट अपडेट लेके। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बता दें, जो पहली अपडेट आ रही है कोविड गवर्नमेंट की तरफ से, वो उन सभी लोगों के लिए है जो लोग कोविड से छुट्टी जाना चाहते हैं इंडिया। जी हाँ दोस्तों, ये अपडेट इंडियन लोगों के लिए है। दोस्तों बता दें, अपडेट के अनुसार बताया गया है कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक नियम लागू किया गया है जो कोई बाहर कंट्री से आता है। जी हाँ दोस्तों, अपडेट के अनुसार बताया गया है कि जो कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट से इंडिया के अंदर आता है, उन सभी लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप सऊदी अरब से आएँ, या फिर यूएई से आएँ, या फिर कुवैत से आएँ, या फिर ओमान से आएँ, आप किसी भी कंट्री से आते हैं तो आप लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों ऐसा करने की वजह ये बताई जा रही है क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इंडिया में भी कोविड-19 केसेस निकल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी फिलहाल के जो एक्टिव केस पाए गए हैं, लगभग जो टोटल एक्टिव केस पाए गए हैं 1 लाख के ऊपर है। तो दोस्तों इसी को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया है। तो दोस्तों ये मान के चलिए कि अभी कोविड से जो कोई भी छुट्टी जाना चाहता है, ज़रूरी है कि वो लोग सबसे पहले बूस्टर डोज लगवा लें। जी हाँ दोस्तों, बूस्टर डोज लगवाने से क्या होगा, आप लोगों को वापस रिटर्न आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि अगर आप लोगों ने पी फाइजर के डोज दोनों ले लिए हैं, तो आप लोग 4 महीना बाद भी बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप और किसी कैटेगरी की वैक्सीन लगवा लिए हैं, तो आप लोगों को पूरे 6 महीना इंतजार करना होगा, उसके बाद ही आप लोगों को बूस्टर डोज दिया जाएगा। तो दोस्तों ये मान के चलिए कि कुवैत के अंदर अभी लगभग 50 लाख के ऊपर लोगों ने बूस्टर डोज लगवा लिया है। जी हाँ दोस्तों, ये अपडेट खुद कुवैत हेल्थ मंत्रालय की तरफ से दी गई है। दोस्तों ये मान के चलिए कि ये एक तरह से जितने भी इंडियन लोग हैं, उन सभी लोगों के लिए बैड न्यूज़ है। क्योंकि दोस्तों जैसा कि अभी कोविड गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई अपडेट नहीं जारी की गई है इंडिया को लेकर, जैसा कि अभी इंडिया में कोविड-19 केसेस निकल रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये मान के चलिए कि जल्द ही कोविड गवर्नमेंट की तरफ से कोई नई गाइडलाइन जारी की जा सकती है। जैसा कि अभी इंडिया में केसेस निकल रहे हैं, हो सकता है जो फ्लाइटें हैं उसको सस्पेंड कर दी जाए, या फिर कोई और नियम या कोई और कानून लागू हो सकता है। तो दोस्तों ये मान के चलिए कि एक तरह से जितने भी इंडियन लोग बाहर कंट्री में रहते हैं, उन सभी लोगों के लिए बैड न्यूज़ है। और बाकी अगर आप लोग पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, इन तमाम कंट्रीज हैं, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि ना तो आपकी गवर्नमेंट की तरफ से, ना ही कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई अपडेट जारी किया गया है, ना ही आप लोगों को कोई से छुट्टी जाते हैं तो आप लोगों को क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। आप लोग बिल्कुल जा सकते हो एकदम नॉर्मली तरीके से। ये सिस्टम जो है सिर्फ इंडियन लोगों के लिए लागू किया गया है, वो भी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। तो दोस्तों देखते हैं कोविड गवर्नमेंट की तरफ से इंडिया को लेकर आगे क्या अपडेट जारी की जाती है, फ्लाइट को सस्पेंड किया जाता है, या फिर कोई नियम या फिर कोई नई गाइडलाइन जारी की जाती है। तो दोस्तों जैसे ही कोई और नया नियम या फिर नई गाइडलाइन जारी होती है, वैसे ही हम आप सभी दोस्तों को जल्द से अपडेट करेंगे। तो दोस्तों ये जो बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट कोविड से निकल के आ रही थी, जिसे मैंने आप सभी दोस्तों के साथ शेयर की। आप लोग ऐसे ही कोविड की ताज़ा तरीन अपडेट्स वाकिफ़ रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं किसी नई अपडेट में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।